हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 का 11 सितंबर का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न करने वाले हैं। तो जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, पुलितजर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो पुलितजर जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलितजर पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट पत्रकारिता, समाचार पत्र, पत्रिका, साहित्यिक उपलब्धि और संगीत रचना में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। सही उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। 22 जनवरी 1992 को राष्ट्रपति भवन ने सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं, स्टॉकहोम में। शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह जो 1991-92 में स्थापित किया गया था, इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 6 श्रेणियों में पुरस्कारों की कुल 6 श्रेणियां हैं, जिसमें ये सभी प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं। अभिनव विंदा जो हैं वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं। राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी विश्रोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है अमृता देवी विश्रोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी विश्रोई पुरस्कार लोगों को वन्य जीवों की रक्षा के लिए उनके साहस और समर्पण के लिए दिया जाता है। 1731 ईस्वी में राजस्थान में जोधपुर के राजा ने अपने एक मंत्री को नया महल बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1959 में वे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई थी। 1966 में वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 जीता है। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार 2018 डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद को दिया गया था। अगला प्रश्न है,
नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? 6 श्रेणियों में। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 1921 को नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत के माध्यम से 5 श्रेणियों के तहत केवल 5 पुरस्कारों का प्रावधान किया है। अगला प्रश्न है, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 में कितने पद पुरस्कारों की घोषणा की गई? 119 पद पुरस्कारों की। कुल 119 पद पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें 7 पद विभूषण, 10 पद भूषण और 102 पद श्री शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न का पदक डॉट डॉट के पत्ते की तरह बनाया गया था, पीपल की पत्ते की तरह, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में जो है पीपल की जी पीपल का जो है पत्ते की तरह भारत रत्न का पदक है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का शांति नोबेल किसे प्रदान किया गया? तुमारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 जीता है? मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी ने खेल और खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 जीता है। अगला प्रश्न है, श्रीजेश पी आर जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, किस खेल से जुड़े हैं? हॉकी खेल से। श्रीजेश पी आर भारत के एक पेशेवर फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय कौन है? खान अब्दुल गफार खान। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय खान अब्दुल गफार खान थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत से प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने वर्ष 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? पीटर हेडके को। 2018 के साथ साथ 2019 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे 2004 में पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बंगारी मथाई को। बंगारी मथाई को सतत विकास, लोकतंत्र और शांति में उनके योगदान के लिए 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? डॉक्टर सी वी रमन को। उन्हें इस खोज के लिए 1930 में भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो विक्षेपित प्रकाश का कुछ भाग तरंग दैर्ध्य से परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं। वह वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में सेवारत हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इसकी स्थापना 1961 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए की गई थी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।